जय हिंद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, दोस्तों आज हम आप लोगों को समांतर श्रेणी यानी कि एपी का सूत्र बताएंगे, ठीक है, और उस पर आधारित एक क्वेश्चन भी बताएंगे। तो आज जो सूत्र पढ़ने वाले हैं वो सूत्र कैसा होगा समझिए। अगर आपको प्रथम पद ए दिया रहे और अंतिम पद यानी सार्वांतर डी दिया रहे तो एपी का जो एनवां पद होगा, एनवां पद वो क्या होगा? तो दोस्तों हम बता दें कि प्रथम पद और सार्वांतर डी जब मिल जाए तो आपसे अगर एनवा पद पूछ दे तो आपको यहां पर एक फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एक फॉर्मूला है और आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप किसी भी नंबर का एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, प्रथम पद ए और सार्वांतर डी रहे तो एपी का जो एनवा पद होगा दोस्तों, याद रखिए एनवा पद वो हमारा होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक बार में नहीं याद होता है तो दो बार में कीजिए, दो बार में नहीं तो तीन बार में, जब तक याद ना हो तब तक याद करते रहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला क्लास टेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लिए इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनेगा और कैसे पूछा जाएगा। तो एपी दिया है 2, 7, 12 का दसवां पद ज्ञात कीजिए, नहीं तो सबसे पहले हम यहां पर जानते हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा। तो a बराबर यहां पर जो प्रथम पद होता है वो, और d बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। तो अगला पद कितना है, 7 माइनस प्रथम पद 2 यानी कि 5। तो हमको a मिल गया कितना, 2, और d कितना मिल गया, 5। बोला है इतना का एनवा पद यानी कि n का मान भी दे दिया है हमको, एन बराबर कितना है 10, तो हमसे पूछा है एनवा पद यानी कि ए एन, यानी ए एन बराबर क्या होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए दोस्तों यहां से हम डायरेक्ट ए एन बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमको दसवां पद बोला है ना, तो हमको क्या निकालना है, ए 10, जहां n है वहां कितना रखेंगे 10, तो ए 10 बराबर a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो a 10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5 बराबर 2 प्लस 9 पचे 45। तो यहां से हम निकालेंगे तो हमारा ए 10 जो निकलेगा, ए 10 वो कितना निकलेगा, 45 और 2 47, और यही आपका क्या रहा, आंसर रहा। तो दोस्तों अगर इस तरह से आपको प्रथम पद दे दे, ठीक है, प्रथम पद दे दे और अंतिम पद दे दे और एन का मान दे दे, तो वहां से आप एनवा पद निकाल सकते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाइए और यहां से निकाल दीजिए। क्लास टेंथ का मैथ का क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग मिस ना करें, जल्दी से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को दायां साइड में सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से आपको रोज डेली नया नया वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।